दोस्तों, YouTube पे वीडियो डालने के टाइम में हम लोग कौन सी गलती करते हैं जिसके वजह से हमारा वीडियो कभी भी सर्च लिस्ट में नहीं आता है या फिर रैंक नहीं करता। और अक्सर ऐसा होता है कि हम जब वीडियो डाल के अपना ही वीडियो सर्च बार में जाके वो वीडियो का टाइटल को जब टैप करते हैं, यानी टाइटल को जब राइट करते हैं, टाइटल को लिखते हैं, तो खोजने के बाद हमें सिर्फ दूसरा के वीडियो दिखता है, हमारा खुद का वीडियो कभी दिखता ही नहीं है। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो आज के इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आप कौन सी गलती करते हो जिसकी वजह से आपको अपना ही वीडियो YouTube पे खोजने के बाद भी मिलता नहीं है। आपका वीडियो न शुरू में दिखता है न लास्ट में दिखता है। 100-200 वीडियो सेम टॉपिक पे आप खोज लेते हो बट आपको अपना ही वीडियो नहीं दिखता है। तो लोगों को लगता है अरे भाई, हमारा वीडियो हमने यूट्यूब पर लोड किया और हमें यूट्यूब पर ही नहीं दिख रहा है, इसका क्या रीज़न है? कई बार ऐसा होता है कि हम लोग YouTube पे वीडियो लोड करते समय बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, इसके वजह से हमारा वीडियो रैंक नहीं करता है। जैसे कि आप टाइटल यदि लिख रहे हो तो टाइटल आपको सबसे पहले तो सर्च कर लेना है कि भाई इस टॉपिक पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस टॉपिक पे किस टाइटल से लोग हमें सर्च करेंगे या फिर हमारे वीडियो को सर्च करेंगे। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब के सर्च बार में जाके आपको आपका जो कॉन्टेंट है उस पर आप वो ही बात आपको लिखना है, और पहले से जो भी टाइटल हैं, जो टाइटल रैंक कर रहे हैं, सेम टाइटल आप लिखो या फिर उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेज कर दो। इसके बाद सेम टाइटल को आप डिस्क्रिप्शन में कॉपी करके पेस्ट कर दो और उसी टाइटल से मिलता हुआ कम से कम 5 हैशटैग लगा दो। इसके बाद होता है कि हम लोग प्लेलिस्ट नहीं बनाते हैं, तो आप प्लेलिस्ट भी बनाओ। अगर सेम कॉन्टेंट पर आप 4-5 वीडियो बनाए हुए तो एक ही प्लेलिस्ट में सभी को ऐड कर दो। इसके बाद बारी आती है कि हम लोग बिना कैटेगरी सेट किए ही लोड कर देते हैं। जैसे कि आप YouTube पे जब वीडियो लोड करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा कि भाई ये वीडियो क्या आपने बच्चे के लिए बनाया है या फिर नहीं बनाया है। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं भी करते हो तो वीडियो आपको लोड करने का ऑप्शन तो मिल जाता है, बट जब आप वीडियो लोड करोगे तो वो ना एडल्ट कैटेगरी में रहता है ना ही चाइल्ड कैटेगरी में रहता है। इसके वजह से वो कहीं भी रैंक नहीं करने के वजह से वो नहीं दिखता है। इसके बाद होता है क्या कि हम लोग वीडियो में अपना कार्ड नहीं लगाते हैं। वीडियो में आपको कार्ड भी लगाना है। जब आप किसी की वीडियो देखते हो तो आप देखोगे कि ऊपर में एक छोटा लिखा हुआ कुछ आता है दूसरी वीडियो के बारे में, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उस वीडियो में घुस जाते हो। इस तरह का आप 5 मिनट का वीडियो में 5-5 कार्ड लगा सकते हो, कम से कम 4 तो कार्ड लगा ही सकते हो। इसके बाद है कि जब हमारा वीडियो ख़त्म हो रहा है तो हम लोग इंड स्क्रीन में भी हम लोग लगा सकते हैं वीडियो, तो इंड स्क्रीन वीडियो भी लगाते नहीं है लोग, इसके वजह से भी उनका वीडियो रैंक नहीं करता है। आप इंड स्क्रीन में 2 वीडियो लगा सकते हो, 1 वीडियो लगा सकते हो, 4 वीडियो भी लगा सकते हो, 3 वीडियो और 1 सब्सक्राइबर बटन लगा सकते हो, बट लोग नहीं जानते हैं इसको लगाने के लिए। अगर आप जान रहे हो तो आज से लगाना शुरू कर दो इंड स्क्रीन भी। दूसरी बात है कि कई लोग बंगला में यदि वीडियो बना रहे हैं तो वो हिंदी में सबटाइटल अपना लगा सकते हैं, या फिर हिंदी में लगा रहे हैं तो वो अंग्रेजी का सबटाइटल लगा सकते हैं, बट लोग नहीं लगाते हैं। तो अगर लगता है कि ये टॉपिक पे लोग हमें दूसरे भाषा से भी देखने के लिए आएंगे तो आप ज़रूर लगाओ सबटाइटल। सबटाइटल लगाने का भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है और आपका वीडियो रैंक करता है। और डिस्क्रिप्शन में 5000 वर्ड जो लिखने के लिए दोस्तों, उसमें कम से कम आप 1000-1500 वर्ड में तो कुछ ना कुछ लिखो। कई बार होता है कि हम लोग वीडियो बनाते हैं और बस अपलोड कर दिए, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं लिखें। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं लिखना ये नए क्रिएटरों के लिए बहुत बुरी बात है। अगर आप पुराने क्रिएटर हो और आपके पास 1-2 लाख सब्सक्राइबर हैं तभी तो चलो भाई ठीक है, आप नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, बट अगर आप नया क्रिएटर हो, आपको कोई जान नहीं रहा है, और वैसी स्थिति में यदि आप डिस्क्रिप्शन में 5000 वर्ड के जगह पे सिर्फ 100 वर्ड लिख रहे हो तो फिर रैंक करना बहुत मुश्किल है। तो नए क्रिएटर को तो मैं खासतौर से बोलूँगा कि आप ज़रूर लिखो डिस्क्रिप्शन में जाके। डिस्क्रिप्शन लिखने से भी आप जिस भी टॉपिक पे बना रहे हो वीडियो उस टॉपिक पे कम से कम 100 बात लिखो, जिससे डिस्क्रिप्शन में सेम टाइटल को ऊपर नीचे करके कुछ भी लिखो बट आप ज़रूर लिखो। अगर आप उसमें मिस करोगे तो फिर आपका वीडियो रैंक नहीं करेगा। इसके बाद है कि टैग में 500 वर्ड से हमें टैग बनानी होती है। कई बार लोग करते क्या हैं कि रैपिड टैग में जाके टाइटल पेस्ट करते हैं और वहाँ से जो भी टैग आता है उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यानी एक ही बार में टैग में आके 500 वर्ड एक ही बार में टाइप कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, उस पर आपको मेहनत करनी है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है। खासतौर से जो आपका टाइटल है उसी टॉपिक से रिलेटेड आप मन में पहले सोचो 10 तरह से कि भाई इस टॉपिक को लोग कैसे खोजेंगे। उसके बाद आप गूगल की भी सहायता ले सकते हो, सेम टॉपिक को आप गूगल पे कैसे सर्च करोगे।
वो आपको सेम टाइटल आपको टैग में जाके पेस्ट करना है, टैग में जाके लिखना है और खुद से लिखना है, ऐसा नहीं कि हम कॉपी पेस्ट भी नहीं करेंगे। तो यदि इतना आप करते हो तो आपका वीडियो श्योर यानी बहुत जरूर, मतलब बहुत उम्मीद है कि इतना करने के बाद आपका वीडियो रैंक करने लगेगा। और करके देखो नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताओ। और अगर आप इंडस्किन या कार्ड लगाए नहीं जान रहे हो दोस्तों, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा। आप हमें कमेंट में लिख देना कि मैं नहीं जान रहा हूँ, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो बेल आइकन को भी दबाओ और ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जा सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।